आज हम ECU मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस की कंप्लीट बात करने वाले हैं। पूरी बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हम, किस तरह से पढ़े, कौन से बुक को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसका कंप्लीट सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उस सिलेबस की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैं यहाँ पे निकाल कर आया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको कम समय में बता सकूं। तो पहली बात यह है कि हमें ना 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, मशीन ड्राइंग, बायोलॉजी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इसमें आपका मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर ये आपका वीक रह गया तो मैकेनिकल के आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके वीक रह जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। तो इन 3 सब्जेक्ट पर आपको स्पेशल टाइम देना है और इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मशीन ड्राइंग भी आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट है पर इसको ना आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। कितना टाइम देना है कंप्लीट बात करेंगे हम। बायोलॉजी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे इसकी ही बात करेंगे। तो पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपके जो है 3 मॉड्यूल हैं आपके मैथमेटिक्स में, जिसमें हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहला यूनिट है, प्रोबेबिलिटी सेकेंड है और स्टैटिक्स 3rd यूनिट है। इसके लिए कौन सी बुक लें? तो BS ग्रीवाल सबसे बेस्ट बुक है आपकी। इस बुक को आप पढ़िए, है ना। बहुत सारे टीचर्स इस बुक को बाइबल ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपका सभी सब जो टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक आपका कवर होगा। BS ग्रीवाल आप फॉलो करिए, बहुत बेस्ट बुक है ना। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। BS ग्रीवाल के अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका PDF भी है मेरे पास, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपको सभी बुक्स के PDF आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि YouTube और टेलीग्राम पर डायरेक्ट PDF है ना अवेलेबल कराना कॉपीराइट का उल्लंघन है, तो इसलिए मैं आपको मैसेज करना होगा तभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके 6 मॉड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। 6 मॉड्यूल है, इसमें कौन सी बुक लें? इसके लिए आपके पास है RS खुर्मी की बुक। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप RS खुर्मी से शुरुआत करिए। उसके बाद है आपका SS भविकट्टी, ये RS खुर्मी से एडवांस बुक है, इसको आपको बाद में फॉलो करना चाहिए। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे गेट हो गया, तो भी ना SS भविकट्टी से ही पढ़ते हैं, तो ये एडवांस बुक है। पहले आपको खुर्मी जाना है, उसके बाद भविकट्टी पर जाना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है लेकिन जो बेस्ट है, जो ज्यादा पढ़ी जाती है, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपके 6 मॉड्यूल है ना, वो सभी मॉड्यूल बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। 6 मॉड्यूल आपके बहुत छोटे छोटे हैं, उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत ही आसान आसान टॉपिक है। 20 दिन में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में आपके 7 मॉड्यूल हैं, 7 मॉड्यूल हैं, इसमें 6 बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का है और 1 आपका RAC का है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइड को एप्लीकेशन और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स और लॉज को यूज करके हम ना अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में उसमें पावर प्लांट हो गया, IC इंजन हो गया, RAC हो गया, यूज किया जाता है इनमें। तो यहाँ पर RAC दिया हुआ है, RAC का 1 ही यूनिट है जिसमें आपको साइकोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो चीज पढ़ेंगे ना, उसका एप्लीकेशन आपको RAC में देखने को मिलेगा। तो 1 ही यूनिट है RAC का जहाँ पर आपको साइकोमेट्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका मशीन ड्रॉइंग। अच्छा, बुक कौन सी लें? तो RK राजपूत बेस्ट बुक है, सबसे बढ़िया है। 7.5 मॉड्यूल आपके पूरे कवर होंगे इसमें, आप RK राजपूत लीजिए। पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, RK राजपूत। उसके बाद आप PK नाग की तरफ जा सकते हैं, यह भी बहुत ही बढ़िया बुक है। इसका PDF भी आपको मैसेज करना होगा तभी मिलेगा। उसके बाद है मशीन ड्रॉइंग, इसमें 8 मॉड्यूल है और 8 मॉड्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े आराम से ये मॉड्यूल हो जाते हैं। कौन सी बुक ले? इसके लिए 1 ही बुक आपको चाहिए, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग बाई ND भट्ट। कितने देर पढ़ना है? तो डेली आप 1 घंटा तो दीजिए ही,
प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये ड्राइंग है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बढ़िया हो सकता है। तो डेली आपको एक घंटा तो देना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी। ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि ये आगे काम ही नहीं आएगा और आपको जल्दी समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट नहीं है। तो पहली बात, जो आप इसको पढ़ने के लिए आपको लोकल ऑथर की बुक लेनी है। लोकल ऑथर मतलब जो एक्यू के सिलेबस पर जो बुक लिखते हैं ना, वो की बुक को आपको पढ़ना है। नहीं तो कोई हैंड राइटिंग नोट्स आप ले लीजिए, किसी सीनियर से ले लीजिए। नहीं तो मैं कुछ समय आपको वेट करना होगा, मैं हैंड राइटिंग नोट तैयार करूंगा, वही आपको लेना है। नहीं तो किसी सीनियर का मिल जाता है तो लीजिए, खुद से बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो या तो आप लोकल ऑथर की बुक लीजिए, नहीं तो कोई हैंड राइटिंग नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है। डेली आप आधा घंटा भी देते हैं ना इन दो सब्जेक्ट के लिए, आधा आधा घंटा, तो ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें ज्यादा चीज पढ़ना नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी होती है, बेसिक चीजें पढ़नी होती है। और एट लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पता लगाने के लिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने पूछे जाते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न को समझने के लिए किसी भी एग्जाम को। तो आपको PYQ तो लगाना ही है। तो आपके ये 6 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की है, 3 सब्जेक्ट पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। मशीन ड्राइंग डेली 1 घंटा, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स डेली आधा आधा घंटा दीजिए, अच्छे से कवर हो जाएगा, समय से पहले कवर हो जाएगा और इसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना होगा, है ना, तभी मैं इसको दूंगा, है ना। डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि इस पर कॉपीराइट का इशू बहुत ज्यादा होता है। तो मैसेज करिए, वहां पर जो भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होंगी, नोट्स अवेलेबल होंगे, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा, आपके पास मैं पहुंचा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।